119 कल्याणक भूमियों का जिन्होंने स्पर्श किया। इतना ही नहीं, जीवन के अंदर दो उपदान, 99 यात्रा, सिद्धि तप, 28 वर्धमान तप बोली। मैं लिस्ट पढ़ने बैठूं तो आप और मैं घड़ी की तरफ अपना चेहरा घुमा देंगे। एक बार अनुमोदना के साथ में, तालियों के साथ में मैं स्वागत करना चाहूंगा नेहा बेन। नेहा बेन पधारिएगा और अपने अंतर के हृदय के उद्गार हम सब के समक्ष रखिएगा। एक बार जोरदार तालियों के साथ में इनका अभिनंदन अभिवादन। जयो 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 जिन शासन नो जयो 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 जिन शासन नो जयो 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 जिन शासन नो जयो जयो। मूरत प्रधाता चिंतामणि समान पूज्य शंकेश्वर प्रभु ना चरणों में कोटि कोटि वंदन, और सूरत के कल्पद्रुम समान श्री सहस्त्रफना पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्रेम भुवन भानु जितेंद्र सूरी गुरुभ्यो नमः। हमें संयम प्रदान करने वाले, जब वो बैठते भी है ना ऐसे लगता है कि जैसे शेर बैठा हो, वैसे आचार्य भगवंत जो इस कलयुग में भी, साहिब जी ने सुबह एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि इस काल में रात्रि भोजन बंद कराने में भी क्या हो जाता है, खून पसीना एक हो जाता है। उस काल में 400 लोगों को संसार से तारने वाले ऐसे परम पूज्य आचार्य भगवान श्री गुण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। हमारे परम उपकारी, जब वो ध्यान में बैठते हैं तो लगता है जैसे साक्षात अध्यात्म योगी शांति सूरी मां से बैठे हो, जिनके पास कभी भी आप जाओ नियम के बिना लौट ना पाओ। ऐसे परम पूज्य हमारे परिवार के परम उपकारी, हमारे परम उपकारी, हमारे को मार्ग दिखाने वाले, बचपन से यही सिखाया था कि संसार छोड़ने जैसा है, संयम लेने जैसा है और मोक्ष मेलवने जैसा है। ऐसे हमारे परम उपकारी दादा महाराज साहब श्री हीर प्रभ विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। लेडीज में एक नहीं 350 शिष्या जिनकी, ऐसे प्रवर्तनी श्री, कभी भी क्या होता है साधु भगवंतों में आचार्य पदवी होती है ना, वैसे साध्वी जी भगवंतों में एक ही पदवी होती है, वो होती है प्रवर्तिनी की। जिनको प्रवर्तिनी की पदवी मिली है ऐसे मातृ हृदया श्री पूज्य पुण्य रेखा श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। पूज्य गुणग्नि रेखा श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन। और हमारे गुरु मैया परम पूज्य श्री दक्ष रेखा महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। I am not here to say something new because old is always gold. आज के युग में सबसे ज्यादा क्या बोला जाता है, पढ़ाई, status, right? You need some status in the society. The same way, एक बहुत अच्छा good looking guy, well settled, उसको रूप से कोई problem नहीं थी। The second option is studies. स्टडीज में वो IPS बन चुका था, वो घर से बाहर निकले तो चार गाड़ी उसके पीछे, जहाँ कदम रखे वहाँ सलाम ही सलाम। उससे ज़्यादा इंसान को क्या चाहिए, राइट? बहुत बड़े पोजीशन पे था वो, सुखी सुख, घर में नहीं पता, बाहर सुखी सुख, बहुत बड़ा बंगलो कमा लिया, स्टेटस हो गया। एक रात वो बंगलो में सो रहा था अपनी बीबी के साथ, सडनली बीबी को थोड़ी सी एक आवाज आई कि शायद कोई है बाहर।
लेकिन वो थोड़ी डरी हुई थी, तो उसने थोड़ा उठ के झांका बाहर खिड़की से, तो उसको किसी का रिफ्लेक्शन दिखा, तो उसको कन्फर्म हो गया कि बाहर कोई पक्का है, बाहर कोई पक्का आया है। तो वो इमीडिएट जाके क्या करती है, जो आईपीएस उसका पति है उसको उठाती है कि उठो उठो, घर में कोई घुस आया है। एक बार उठाती है, दो बार उठाती है, वो उठता ही नहीं है। तीसरी बार उस पति को बहुत गुस्सा आता है कि मैं आईपीएस दिन में हूँ, रात को मेरी ड्यूटी घर में, मैं आईपीएस नहीं हूँ, रात को मैं ड्यूटी ऑफ हूँ, मेरी ड्यूटी सिर्फ दिन में है। वो चोर चोरी करके चला जाता है। नेक्स्ट डे के हाईलाइट में क्या, हेडलाइन में क्या आएगा, ऑफ ड्यूटी वाले आईपीएस के घर पे चोरी हुई, राइट? उसी तरह एक आम लोगों में उस आईपीएस की स्टेटस ऊपर थी ना, वैसे ही चार गति में तिर्यंश, देव और नरक और मनुष्य, इन चारों के कंपैरिजन में सबसे ऊपर कौन है? मनुष्य ऊपर है, राइट? उसमें भी उसको जैसे चार गाड़ी आगे चार गाड़ी पीछे, वैसे उसमें अपन को जैन धर्म मिल गया, राइट? मुहूर्त के पहले क्या हुआ, हम सिर्फ पवन भाई और उषा बहन की बेटियां थी, लेकिन जैसे ही मुहूर्त निकला ना, कोई भी मिलता ना हमको, भले वो मामा हो, चाचा हो, दूर के अंकल हो, दूर की आंटियां हो, उनके मुंह से एक ही निकलता था, मेरी बेटी तो जाने वाली है। एक ही बात क्या निकलती थी, एक एक माँ बाप की बेटी अभी कैसी हो गई, सब माँ बाप की बेटी हो गई। हम भी उस पुलिस ऑफिसर जैसे ही है, जब भगवान के पास जाते हैं ना, तो भगवान मैं ड्यूटी पे हूँ, लेकिन जब मैं घर निकल गया ना, तो मैं कैसा हूँ, जेन से ऑफ ड्यूटी हो गया। जब मैं मार साहब के पास गया या मैं संयम के इस प्रसंग पे आया, तो मैं क्या हो गया, ऑन ड्यूटी ऑफ जेन। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से कदम बाहर रखा, मेरा क्या हो गया, ऑफ ड्यूटी। अभी आपको हम कैसे लगते हैं, मेरी बेटी मेरी बेटी, लेकिन जब भी आप घर पे जाके ब्रेड या कोई भी पाप करेंगे, तो आपको याद आएंगे हम उस समय, या वो भी ऐसा ही है, मेरी बेटी भी ऐसी ही है, अभी इन ड्यूटी पे है जब तक हमारे साथ है। और जैसे ही आप घर जाते हो, हम कैसे हो गए आपके लिए, बोलो, ऑफ ड्यूटी। वो कौन थे पता नहीं भाई हमें, जब सामने रहे वो कैसे थे, कोई इतने दीक्षा के पहले मैं इतने लोगों को नहीं जानती थी, मुहूर्त के बाद मुझे ऐसे लगा कि मेरा परिवार इतना बड़ा है, राइट? दूर दूर के रिलेशंस मेरे पास आ गए। वही क्या होगा, यहां है तब तक सब रिलेशंस मुझे याद दिलाते हैं, लेकिन क्या आप घर जाओगे तो ये रिलेशन आपको याद आएगा? वेरी गुड, थैंक यू। लेकिन बहुत कम, क्योंकि हम वो कैसे हैं, आईपीएस पुलिस ऑफिसर जैसे हैं, भगवान के पास या स्पेशली वो संवत्सरी पजुषण के दिन, पजुषण के 8 दिन हम कैसे हो जाते हैं, इन ड्यूटी हो जाते हैं, और बाकी सारे दिन अपन कैसे हो जाते हैं, ऑफ ड्यूटी हो जाते हैं। तो आप हमें उस आईपीएस ऑफिसर जैसे न करें, न माने, आप हमें हमेशा याद रखिए कि हमारी बेटियों ने दीक्षा ली है, तो मैं ये कर सकता हूँ या नहीं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन हमारी बेटियों ने, अभी तक 5 की बेटी हूं लगता है, हमारी बेटियों ने जब भी हर पल ये याद रखना कि मैं जैन हूं, सिर्फ मंदिर उपाश्रय तक आपकी जैन की टाइटल को सम्मिलित मत रखना। 25 अप्रैल यानी परसों, ये सब निकल जाएंगे यहां से, दीक्षा देख लिया, मंडप बहुत अच्छा था, बस इसमें ही सीमित मत रहना। आईपीएस जैसे मनुष्य भव मिल गया, सबसे टॉप, चारों भवों में से सबसे टॉप कौन सा भव था, मनुष्य भव था,
उसमें सबसे टॉप क्या था? जैन कुल था। इतना सम्मान, इतना मान, एवरीथिंग यू गॉट, लेकिन जब चोर आया आप रोक नहीं पाओ, तो ऑल योर आईपीएस डिग्री इज जीरो। जब आपके ही काम नहीं आ पाए, तो आप क्या किसी के काम आएंगे? तो बस यही प्रार्थना है कि इस भव में जितना भी टाइम बचा हो, आपके काम जरूर आना, बस यही आशा से। और हमें आपकी बेटियों ने ये बात ना भूले। जय जिनेंद्र। मुमुक्षु नेहा बहन को इतना ही कहना है कि भूलने की बात कर रहे हैं, हम सब तो यही कहते हैं कि खूने खूने संभलाशे तमारो नाद, घर जाएंगे खूने खूने संभलाशे तमारो नाद, हर पल यावशे तमारी याद, आपिए आज अंतरना आशीर्वाद की बन्ने बहनों शासन शोभाव जो आज, शासन शोभाव जो आज, ऐसा आशीर्वाद ये दोनों बहनों को देना है। नींव कहां से, न यह अच्छाई अच्छी है, न यह आधार सच्चा है, न कोई चीज है सच्ची, न यह संसार सच्चा है, मगर धरती से अंबर तक युगों ने गीत गाया है, अगर जग में है कुछ सच्चा तो माँ का प्यार सच्चा है, वो माँ का प्यार सच्चा है। माँ तूने तीर्थंकरों को जना है, माँ तेरे ही दम पे यह संसार बना है, माँ तू मेरी पूजा है, मन्नत है मेरी, माँ तेरे कदमों में जन्नत है मेरी, ऐसी भावना जब ये दो बेटियां अपनी माँ को करती है, और ये माँ अपने अंतर के हृदय के उद्गार आप सभी के समक्ष निवेदन, उषा बेन पवन कुमार इतनी तालियों के साथ में बधाना कि जो माँ आप बने हो, कभी भविष्य में मेरा सौभाग्य जगे कि मेरी कुक्षी से भी एक संतान परमात्मा के मार्ग पर जाने को तैयार बने, ऐसा आशीर्वाद आज हम पर बरसाना, निवेदन उषा बेन। तो सुनने का आपका बेसुधरी से था इंतजार, तालियों से बधाइए, फिर मैं स्टार्ट करूंगी। जनवरी 14th बीइंग पोंगल इज सेलिब्रेशन फॉर ऑल हिंदूज, अगेन नवंबर 14th बीइंग चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेशन फॉर ऑल चिल्ड्रंस, बट रिमेंबर एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन फॉर वी जैन्स, एवरी डे इज अ सेलिब्रेशन फॉर वी जैन्स, कारण प्रभु मिले, प्रभु का शासन मिला। दो मिनट के लिए आंख बंद करके रियलाइज कीजिए कितने सुंदर प्रभु मिले अपने को, कितना सुंदर ये शासन मिला हमें, जो शासन हमें कर्मों से मुक्त कर सकता है, हमें जन्म मरण के दुखों से दूर कर सकता है, और आत्मा से परमात्मा बना सकता है। इतना सुंदर शासन मिला हमें, प्लीज उसे रियलाइज कीजिए, इसे भूलिए मत, रोज सुबह उठते याद कीजिए, प्रभु मुझे तू मिला और तेरा शासन मिला। काश सपोज ये प्रभु नहीं मिलते ना, तो हमारे सुबह के ब्रेकफास्ट में ब्रेड बटर होता और दोपहर के लंच में बॉइल्ड रैट्स होते, बट प्रभु मिले तो हमें समझ है कि इस जमीकन में पाप है, रात्रि भोजन में पाप है, कितने पाप से हमें दूर करता है ये प्रभु, कितना दुर्लभ भाव मिला हमें, तो फिर हम क्यों ऐसे इसको पांच इंद्रिय के विषय के सुखों में ही गंवा दें। एक बार ऐसा हुआ था, जैसे ही बच्चों का मुहूर्त निकला ना, तो बहुत लोगों ने मेरे से आके पूछा कि आप कैसे अपने कलेजे के टुकड़ों को दीक्षा के मार्ग पे आगे बढ़ा रहे हो। तो उनके लिए मेरा जवाब था, मतलब फ्यू डेज बिफोर माता पिता दोनों अकेले थे घर पे, और बच्चा लकीली परमात्मा के यहाँ पूजा करने के लिए गया हुआ था, किचन में थोड़ा काम में व्यस्त थी और बाई मिस्टेक सिलेंडर का बस बस्ट हो गया, उसके कारण धीरे धीरे पूरा घर आग से सराउंड हो गया, पूरा घर आग से घेरा गया। थोड़ी देर में बच्चे पूजा करके घर लौट रहे थे, जैसे ही वो घर लौटे उन्होंने देखा, हाय घर में तो आग लग गई, मम्मी पापा अंदर है, बट बच्चे तो बहुत समझदार थे, उनको लगा घर ऑलरेडी पूरी तरह से आग से सराउंड हो गया है, अभी हम अंदर घर के अंदर जाने से कोई मतलब नहीं है, माता पिता तो बुरी तरह से फंस चुके हैं,
ठीक जैसे वो आग था, वो आग तो कदाच फायर इंजन बुला के भी बुझा सकते थे, बट जो ये संसार दावा नल है, उस दावा नल के अंदर माता पिता ऑलरेडी फंस चुके हैं। हमारी इतनी जिम्मेदारियां, इतने टेंशन्स कि हम इस संसार से बाहर निकलने का सोच भी नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते। जैसे कोई दीक्षा का प्रसंग हो, उपध्यान का प्रसंग हो, नवानु का प्रसंग हो, हम नहीं निकल सकते, बिकॉज हम इतनी जिम्मेदारियों और टेंशन से ऑलरेडी फंस चुके हैं। अभी हम क्यों इस इन संतान को भी इस आग के अंदर फंसाना चाहते हैं? जब वो घर में आग लगी थी ना, तो वो माता पिता अपना झूठा मुंह नहीं दिखा रहे थे कि बेटा तू अंदर आओ, तू मेरा कलेजा का टुकड़ा है, मैं तेरे से दूर नहीं रह सकती हूँ, मुझे तुझे एक बार हग करना है, तुझे लव करना है। नहीं बेटा, तू अंदर आओ, तू अंदर आओ, ऐसे कोई झूठा मुंह नहीं किया था जब वो घर में आग लगी थी तब। अभी हम क्यों झूठा मुंह कर रहे हैं? अब क्यों हम बच्चों को इस संयम माँ के और आगे नहीं बढ़ा रहे हैं? ऐसा झूठा मुंह नहीं करना चाहिए हमें। हम ऑलरेडी फंस चुके हैं, तो अब यहाँ उपस्थित सभी माता पिता से मैं ये प्रश्न करती हूँ कि जब घर में आग लगी थी, तब क्या आप अपने संतान को अंदर बुलाते? क्या बुलाते? प्लीज कोई भी दो माता पिता ऐसे हो कि जो संतान को अंदर बुलाते, प्लीज आप स्टेज पे आइए, आपका बहुमान करूंगी। जब हम उस आग के अंदर अब उस बच्चे को नहीं बुला रहे हैं, तो अब हम इस संसार दावानल रूपी आग के अंदर अपने बच्चे को सामने से क्यों फंसा रहे हैं? सामने से उसे बोलना चाहिए, बेटा जन्म से बेटा संसार छोड़ने जैसा है, संयम लेने जैसा है, मोक्ष मेलवा जैसा है। ये दुर्लभ मनुष्य भव मात्र मात्र सर्ववृत्ति के लिए ही है। हमारी सोच सिर्फ उस संतान के इस भाव तक ही सीमित होती है कि बच्चे का स्कूलिंग अच्छा हो, कॉलेज अच्छा हो, उसका जॉब अच्छा लग जाए, बस बच्चे का लाइफ सेट। सी कल्पना कीजिए, मेरा संतान केरला में कोई कंपनी में काम करता हो, और केरला में क्या होता है, जैन फूड और वेजिटेरियन फूड्स बहुत जल्दी से सुलभ से प्राप्त नहीं होता है, और उस समय कंपनी से मेरे संतान को एक दिन के लिए घर चेन्नई भेजा गया, तो मेरा सोच क्या होगा, उस संतान को उस दिन पेट भर के खिला दूं, ठूंस ठूंस के खिला दूं, या उसके आगे के लिए भी कुछ पैक करूं? 100% मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसके पैक करने की कोशिश करूंगी कि 2-4-10 दिन उसको काम लगे वो फूड। ठीक उसी तरह ये संतान जो हमें मिले हैं, उसको सिर्फ इस भव की चिंता नहीं करना है, आगे उसका भव भव सुधरे वैसा हमें काम करना है, सिर्फ इस भव का उसका लाइफ सेट नहीं करना है। हमारा पूरा मेहनत, सभी माता पिता या जो भी उपस्थित है उनसे मेरा नम्र निवेदन है, आप अपने संतान का सिर्फ इस भव का सोच मत सीमित रखिए, उसका भव भव की चिंता करिए। इस जैन कुल में दुर्लभ मनुष्य भाव प्राप्त करके हम उसकी चिंता नहीं करेंगे तो उसका भव भव क्या होगा? बस सभी माता पिता से यही निवेदन है, यही अनुरोध है, अपने संतान को जन्म से यही संस्कार दे कि वत्स संसार छोड़ने जैसा, संयम लेने जैसा, मोक्ष मेलवा जैसा। आप सब में विराजित परमात्मा तत्व को प्रणाम करके मैं अपने वक्तव्य को पूरा करती हूँ।